छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चित्रकूट उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीट को छीना है। सीएम ने कहा कि अब चित्रकूट की बारी है, यह सीट हमारी है, उसे भी जीतेंगे। सीएम ने कहा बीजेपी को कांग्रेस नहीं जनता मुक्त करेगी। वहीं गरियाबंद में सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से लगातार हो रही मौतों को लेकर सीएम ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है, जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे। वहीं प्याज की मूल्य वृद्धि को लेकर सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को केंद्र ने बदलाव लिया है लेकिन इसे लागू नहीं किया, जिसके चलते जमाखोरों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। अभी दंतेवाड़ा का उपचुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आप सबके सामने है। सर्वाधिक मतों से हम जीते हैं या दंतेवाड़ा के रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम लोग जीते। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी उसे छीने हैं। चित्रकूट हम लगातार जीतते रहे हैं, इस सीट हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे।